आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस वीडियो, लाइक वी आर गोइंग टू कवर पेजिनेशन विद रिएक्ट जीएस एंड टेलविन सीएसएस। तो ये इस तरह के वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, पर वहाँ पे टेलविन सीएसएस की जगह पे आपको शायद मटेरियल यूआई दिखाएं, क्योंकि यार बोलते हैं लोग टेलविन सीएसएस एंड विद रिएक्ट जीएस, पर आपको मटेरियल यूआई दिखा देते हैं या फिर चेंज करके आपको रिएक्ट टेबल का एक जो पैकेज है उसका यूज करके आपको दिखा देते हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो वीडियो में टाइटल पर दिखा रहता है वही हम लोग बोलते हैं, जो चीज हम लोग बोलते हैं वही करते हैं। जैसे हम लोग रिएक्ट जीएस विद टेलविन सीएसएस, तो प्योरली रिएक्ट जीएस विद टेलविन सीएसएस का इस्तेमाल करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा कोई भी पैकेज का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मटेरियल यूआई आप यूज कर सकते हैं, मटेरियल यूआई ये सब चीजें, बट दैट्स अदर थिंग, लाइक यू कैन हैव अ लाइक मिक्स काइंड ऑफ स्टफ यू वांट, बट हम लोग यहाँ पे रिएक्ट जीएस और टेलविन सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग सर्वर साइड पेजिनेशन का यूज करने वाला हूँ मैं। अभी तक हमारा जो कोड इस तरह से है, ये सारा मैं डिटेल एडिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं एडिट भी कर सकता हूँ, और ये थोड़ा लोड हो रहा है सर्वर साइड में, कहीं जाएगा वो होगा। देखा ये क्यों गड़बड़ कर रहा है, आई थिंक या मेरा सर्वर रेडी नहीं है, मेरा ऑन नहीं है, ठीक है, तो मुझे ऑन करना पड़ेगा इसको। मेरा ये ऑन नहीं था, ओके, मेरा दिखा नहीं रहा ये, लेट मी रन दिस। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पेजिनेशन का कोड भी लिखूंगा, सर्वर साइड का कोड भी लिखूंगा, और रिएक्ट जीएस का भी कोड इस वाले वीडियो में ही बता देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी किस तरह से क्या लॉजिक होगा, लॉजिक इन द सेंस यार, मैं जब भी कुछ बटन क्लिक कर रहा हूँ या फिर मैं कोई ऐसा सर्च कर रहा हूँ, तो मेरा ये सर्वर पे एक रिक्वेस्ट आएगी, और उसके बाद वहाँ से मैं कुछ लॉजिक लिखूंगा। जैसे हम लोग लिंक क्यूज का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, तो लिंक क्यू का ही इस्तेमाल करेंगे, सर्चिंग, सॉर्टिंग, पेजिनेशन, दैट काइंड ऑफ स्टफ, और जो भी लॉजिक होगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। कहाँ पे लिखूंगा, जिसे आपके कोड में लिखूंगा। बाकी आप किसी और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग पाइथन, डैनजो, या फिर कुछ और नोड जेएस ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे लॉजिक लिखनी पड़ेगी। अब क्लाइंट साइड क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे क्लाइंट साइड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट साइड ज़्यादा अच्छा है। देखो क्लाइंट साइड इसलिए नहीं कर रहे हैं, रीज़न यही है कि हम लोग ट्यूटोरियल पेज पर काम कर रहे हैं। ट्यूटोरियल पेज में अब कोई ट्यूटोरियल के सारे लेक्चर का नाम लिख रहा हूँ मैं, लेक्चर इन द मतलब क्या, एक ट्यूटोरियल जैसे फॉर एग्जाम्पल एजोर का ट्यूटोरियल है मेरा, एजोर डेवॉप्स ट्यूटोरियल है, तो उसमें 40-50 वीडियोस होंगे। इस तरह से सिनेप्स ट्यूटोरियल में भी 100-150 वीडियो हो सकते हैं, तो मैं टोटल करूँगा तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, तो उस केस में मेरे को क्लाइंट साइड पेजिनेशन यूज करूँगा तो मेरा पेज फट जाएगा, मेरा डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आप क्लाइंट साइड यूज करना होता जब मेरे पास कम रिकॉर्ड है, जैसे मतलब 10-20 रिकॉर्ड, तो मतलब यहाँ पे इस तरह से ये सब डेटा आ रहा है सारे। अब इसके बाद क्या करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू है कि हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे डेटा को। डेटा डिस्प्ले करने से पहले पेजिनेशन का लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो लॉजिक लिख लेते हैं, सर्वर साइड का कोड लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कोड लिखा है वो कोड का थोड़ा मैं बता देता हूँ, स्निपेट ऑफ कोड जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, वो थोड़ा सा एरर आएगा, एरर आने वाला है, एरर भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले क्या लिख के आ रहा है, पब्लिक एसिंक टास्क किया है, लिस्ट इंडेक्स रिआउट डाल के रखा है, गेट बुक्स किया है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाल के रखा है इसको, फॉर्म क्वेरी डाल के रखा है, स्ट्रिंग डाला है इसको, फॉर्म क्वेरी पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम लोग कवर किए हैं बुक एपीआई वाले सीरीज में, अगर नहीं पता है तो वो करें आप देख लीजिए। फॉर्म क्वेरी इसको स्टॉप करो, एरर आ रहा है, ठीक है। ऐसे बाय द वे मैंने हॉट रीलोड ऑन रखा है, तो हॉट रीलोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, स्टॉप कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे सिस्टम मैंने डाल के रखा है, ऑन हो गया, फिर मेरा पेज साइज डाल के रखा है, फॉर्म क्वेरी मतलब जब क्वेरी में डालूंगा ना मैं वो क्वेश्चन मार्क डाल के, वहाँ पे वो डेटा उस तरह से आता है। पी भी डाल के रखा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलम में डाल के रखा है, पी में नहीं डाला है, पी में भी डाल सकते हैं आप। फॉर्म क्वेरी डायरेक्शन भी डाल के रखा है, कॉलम नेम मतलब किसके थ्रू मैं उसको मतलब ऑर्डर बाई करने के लिए काम आएगा, डायरेक्शन मतलब असेंडिंग है डिसेंडिंग है, दैट काइंड ऑफ स्टफ आई एम गोइंग टू कवर है। पी मतलब कि कौन सा पेज नंबर है, दैट आई एम रिटर्न पी, आप पेज भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे पेज आई थिंक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड होता है, इसलिए मैंने पेज नहीं लिखा है, इस पर कौन पे डिफॉल्ट कीवर्ड होता है। पेज साइज मतलब कितने रिकॉर्ड्स है, मतलब वो मैं भेजूँ तो वो भी डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, और सर्च टर्म है यहाँ पे, और फॉर्म क्वेरी डाल के बाकी सब ठीक है। अब पेज साइज में चेक कर रहा हूँ, पेज साइज अगर नलेबल है
तो वो 10 डाल लो, नहीं तो फिर ठीक है। और पेज, अगर पेज भी अगर नल आ रहा है तो उसको 1 डाल लो। ट्यूटोरियल मॉडल में जाता हूँ, ऑल्ट कहाँ है, ऑल्ट प्लस F12। ट्यूटोरियल मॉडल में क्या आयनुमरेबल है, ट्यूटोरियल्स को ले लिया, सिस्टम ले लिया और पेज डाल के रखा। अब मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी बना के रखा है, तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी कोर्सेज वोर्सेज के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिलेशनशिप बना के रखा है जब मैं मॉडल्स बना रहा था डाटाबेस में सेव करने के। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन वॉइन करना पड़ेगा, तो अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हैं तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट बना के करते हैं, काम आसान करते हैं, हम लोग रिलेशनशिप बना लेते हैं पहले से। मॉडल ट्यूटोरियल्स में क्या करना, अवेट ट्यूटोरियल सर्विस और सर्च ट्यूटोरियल लिस्ट करूंगा, यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा मेरा, और यहाँ पे मैं सिस्टम पी डॉट वैल्यू पेज साइज डॉट वैल्यू कॉलम नेम डायरेक्शन जो जो नलेबल है उसको डॉट वैल्यू करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। और टोटल रिकॉर्ड्स में क्या डालूंगा, कितने रिकॉर्ड थे टोटल काउंट डालूंगा, उसके लिए क्या करूंगा एक सिस्टम डाल दूंगा, क्योंकि सिस्टम ही है मेरे पास। अगर मेरे पास कैटेगरी आई डी काइंड ऑफ स्टफ भी होती तो इन दैट केस देखना पड़ता तो मैं शायद डालता। मॉडल पेजर में क्या करूंगा, न्यू पेजर टोटल रिकॉर्ड्स पी डॉट साइज डॉट वैल्यू और पी। अब पेजर भी देख लेते हैं, F12 दबाऊंगा, पेजर पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे पेज दर, यहाँ पे टोटल आइटम्स दे रहा है, पेज दे रहा है, पेज साइज दे रहा है। इफ पेज साइज इक्वल टू 0 किया तो पेज साइज को 10 कर दूंगा, वार टोटल पेजेस कर दूंगा मैथ डॉट सीलिंग करके डेसिमल टोटल आइटम्स किया और डेसिमल डिवाइडेड बाय पेज साइज, ये फॉर्मूला है। वार करंट पेज निकालने का ये फॉर्मूला है, और स्टार्ट पेज का ऐसे करंट पेज -5 एंड पेज करंट पेज +4 ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको मैंने शायद इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैंने एमवीसी में इस्तेमाल किया था वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। नया लिस्ट मैंने सिर्फ एक चीज ये की है, कितने सारे पेजेस का 1 2 कितने पेजेस है वो उसका नंबर मैं एक एरे में सेव करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लिस्ट इंटीजर पेजेस लिस्ट इक्वल टू न्यू लिस्ट इंटीजर। ये कोड आपको पता है, ठीक है, ऑलरेडी हमने एमवीसी में कवर किया, ये सारे लॉजिक आपको कॉपी पेस्ट करना है, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी आपको सारे। फॉर इंट आई इक्वल टू स्टार्ट पेज कर रहा हूँ और एंड कहाँ तक जाएगा, एंड पेज तक i++, तो यहाँ पे पेज डॉट आई डी पेजेस डॉट एड आई कर रहा हूँ तो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आखिरी में क्या कर रहा हूँ, ये जो पेजेस मैंने यहाँ पे एक नया फील्ड डालूंगा मैं नीचे, कहाँ गया मेरा माउस, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यार। पेजेस में क्या करूँगा, पेज डॉट टू एरे, क्योंकि मुझे एरे में सेव करता हूँ, एरे इस तरह डिक्लेयर करते हैं, आपको एरे किस तरह डिक्लेयर करते हैं क्या नहीं सब कुछ नहीं आता, बेसिक चीज ऑलरेडी आने वाली है तो उसमें आप लोग कवर करेंगे सब कुछ क्या होगा। बाय द वे मैं पहले एरे सेव कर रहा था पर कुछ इशू आ रही थी नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के लिस्ट में ऐड किया, फिर लिस्ट को एरे में चेंज कर दिया। ये भी तरीका हो सकता है आपका हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यार कि मैं टाइप नहीं कर रहा सब कुछ, यार टाइम बहुत जाता है अगर मैं टाइप करूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट ऑलरेडी लिख के रखता हूँ फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक एसिंक टास्क एनुमरेबल ट्यूटोरियल, ये हमारा जो पहला है ना ये वाला अटक रहा है यार सिस्टम, ये सर्च ट्यूटोरियल लिस्ट इसी को ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसका सर्विस बना रहा हूँ मैं, ये हमें सर्च ट्यूटोरियल लिस्ट आपको बताया ना, यहाँ पे पैरामीटर सारे जो जो है वो यहाँ पे ले लूंगा, पेज इन रिकॉर्ड साइज काइंड ऑफ स्टफ सब ले लूंगा मैं। वाट ट्यूटोरियल्स को कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्यूटोरियल डॉट एज क्यूरेबल करूंगा, क्यूरेबल क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पेजिनेशन करना है इसलिए मैं एज क्यूरेबल कर रहा हूँ। एज क्यूरेबल कर सकता था पर मैं क्यूरेबल प्रेफर करूंगा, क्यूरेबल ज्यादा अच्छा है पेजिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंस क्या है इसका, ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के रखा है, आप शॉर्ट्स वाले देखिए, आपको डिफरेंस अगर चाहिए आइस क्यूरेबल और आइस इनवेबल का। स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी सिस्टम, मैं चेक कर रहा हूँ नल तो नहीं है स्ट्रिंग का, अगर नल है नहीं है नल तो यहाँ पे घुसेगा। घुसने के बाद क्या करूँगा, ट्यूटोरियल डॉट वेयर चेक कर रहा हूँ, ए डॉट नेम डॉट टूल एयर डॉट कंटेन सिस्टम डॉट टूल ओवर, ठीक है इस तरह से होगा, और कर रहा हूँ ए डॉट नेम कोर्स डॉट नेम डॉट टूल ओवर डॉट कंटेन सिस्टम डॉट टूल ओवर। यहाँ पे कोर्सेज का मेरे पास ऑब्जेक्ट था, क्यों था क्योंकि मैंने रिलेशनशिप बना के रखा है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ लोग रिलेशनशिप बनाते नहीं है, फिर बाद में डेटाबेस में जाएंगे ज्वाइन का शॉर्ट पर लिखेंगे ज्वाइन करेंगे ये सब करेंगे, यार फालतू की मगजमारी मत करो, फालतू का टाइम बर्बाद, वो आप लॉजिक को कॉम्प्लिकेट करते हैं। एक सिंपल सा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने वीडियो मेरे शुरुआत वाले वीडियोज नहीं देखे हैं हर एक सीरीज में बताता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है सिंपल का एक ऑब्जेक्ट, कोर्सेज में जाकर दिखा देता हूँ मैं। कोर्सेज में मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया वर्चुअल कैटेगरी नाम का, ये ऑब्जेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं खेल सकता हूँ इससे खेलने, और यहाँ पे भी एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये लिस्ट कोर्सेज ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है,
बना रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए। रिलेशनशिप बना के चलना चाहिए, नहीं बनाना है फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपका ही टाइम जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कोर्सेज आर्ट नंबर टू होगा, कंटेनर्स और सिस्टम का टू होगा। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मेरे पास कुछ स्पेसिफिक टैग्स है, उसमें एरर आ सकते हैं, ठीक है। वो आप ट्राई करके आप खुद देखें कि क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो फिर आप यही करें। मैंने मेरे को पता है नहीं चलेगा इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप पर आप भी ट्राई कर सकते हैं। वार स्किप करूंगा, पेज माइनस वन इंटू रिकॉर्ड साइज, ये तरीका होता है। उसके बाद में सॉर्टिंग का आ जाते हैं, चलो सॉर्टिंग में आते हैं। इफ डायरेक्शन इक्वल टू एएससी, अब इस पे मैंने इफ लूप डाला है। इफ कॉलम नेम इक्वल टू नेम, तो इस तरह से मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय एक्सटेंड टू नेम कर रहा हूँ। डॉट इंक्लूड कोर्सेज को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी को भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, जो जो रिलेशनशिप बनाए उसको इंक्लूड कर देंगे। डॉट स्किप स्किप करूंगा, ऑल कितना रिकॉर्ड देना है वो लिखूंगा। डॉट टू लिस्ट एसिंक कर दूंगा मैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं उसके मेरे को आईडी भी चाहिए मेरे को रिएक्ट जेएस में, तो मैं इंक्लूड करके सारा डेटा ले लूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करनी पड़ेगी। इस तरह डायरेक्शन को डीएससी करूंगा, तो डायरेक्शन में अगर डीएससी है तो उसमें मैं चेक करूंगा कॉलम नेम क्या है, फिर मैं उस हिसाब से ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करके कॉलम नेम करूंगा। सिंपल ऑर्डर बाय जो लिखा हुआ उसकी जगह ऑर्डर बाय डीएससी होगी। अगर मेरे पास दोनों ही नहीं है, एएससी और डीएससी नहीं डाल के रखा, ट्यूटोरियल्स डॉट ऑर्डर बाय कर दूंगा, एक्स डॉट कैटेगरीज डॉट कोर्सेज डॉट कैटेगरी डॉट क्या ये हाँ जो कोर्सेज डॉट कैटेगरी कोर्सेज डॉट कैटेगरी आई डी करके कर दूंगा, और फिर डॉट इंक्लूड एक्स डॉट कोर्सेज कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद कैटेगरी भी ले लूंगा, इसके कर दूंगा ये, और टैग भी कर दूंगा, और डॉट टू लिस्ट असिंक कर दूंगा मैं यहाँ पे। और एक चीज मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन डाल के रखा है, रियल टाइम सिनेरियो में आपके ज्यादा कॉलम्स होंगे तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे स्विच केस का यूज करें, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। डायनेमिकली यहाँ पे कर सकता हूँ, डायनेमिक करने का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे लिंक यू में, अगर आपको कोई ऑप्शन मिल गया तो आप यहाँ पे कमेंट करें। डायरेक्टली मैं जो यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है, क्या मैं पैरामीटर को यहाँ पे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ वो आप कमेंट करें। अगर कर पाए तो आप कमेंट करें। कोई भी मेथड सिंटैक्स कोई भी हो सकता है, चलेगा आपका। दूसरी बात, लिंक यू की सीरीज आने वाली है, वीडियो शूट हो चुके हैं बहुत सारे, कुछ और भी शूट होने बाकी है, एडिटिंग पेंडिंग है, तो मैं अपलोड करना चालू कर दूंगा, लिंक यू भी सीरीज आपको शूट मिल जाएगी। भाई कुछ लोग बोल रहे थे एज्योर डेवऑप्स की सीरीज कब आएगी, उसकी भी स्टार्टिंग होगी शूटिंग, तो आप चिंता मत करें उसकी भी वीडियोस आने वाली है। बाकी असिंक टास्क करूंगा, इंटीजर सर्च ट्यूटोरियल काउंट्स करूंगा, सिस्टम ऊपर का जितना लॉजिक है ना यहाँ पे सारा लॉजिक इतना तक इतना लॉजिक सब कुछ यहाँ पे मैं उठा लूंगा, सेम उठा के यहाँ पे डालूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्यूटोरियल डॉट काउंट असिंक, सिंपल। बाकी इसमें ऑर्डर बाय कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को सिर्फ काउंट निकालना है, तो मैं यहाँ से काउंट निकाल दूंगा। ट्यूटोरियल काउंट ट्यूटोरियल्स आ गए, अब इसको मैं एक बार डीबग विदाउट स्टार्ट विदाउट डीबगिंग कर दूंगा, तो ये रन हो रहा है, रन हो जाएगा, तो ये मेरा सर्वर साइड का कोड हो गया। और अब बात करेंगे रिएक्ट में किस तरह से मैं उसको यूज कर सकता हूँ, रिएक्ट जेएस पे काम करते हैं, रिएक्ट जेएस के चीज भी काम करते हैं। तो पहले क्या करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर पे मैं कुछ चीजें डालूंगा, क्या डालने वाला हूँ, मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी पहले उसके बारे में जान लेता हूँ। मुझे यहाँ पे ये खोलता हूँ एप्लीकेशन को, यहाँ पे नेम में मेरे को एक वो डालना है चेंज सॉर्ट करने के लिए, मतलब वो डालूंगा, एक सर्च बॉक्स डालूंगा, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पेजिनेशन का एक पेज, मतलब कुछ बटन आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह के पेजिनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग, आई थिंक इतना जूम सही है मेरे लिए और आपके लिए भी सही है, तो मैं यहाँ पे इतना ये कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर में क्या क्या किया ये बता देता हूँ, सुपर करूंगा, दिस डॉट सेट स्टेट करूंगा, स्टेट में क्या ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ, लोडिंग डाल रहा हूँ, फॉल्स डालूंगा, पेजर डालूंगा, पेजेस डालूंगा, सिस्टम डालूंगा, डायरेक्शन डालूंगा, डीएससी बाय डिफॉल्ट कर रहा हूँ, कॉलम नेम नल कर रहा हूँ, चेंज सर्च हैंडलर करूंगा सर्च करने के लिए, और दिस स्टार चेंज सर्च हैंडलर डॉट बाइंड दिस करूंगा, बाइंड करना पड़ता है, दिस स्टार चेंज सॉर्ट हैंडलर डॉट बाइंड दिस करूंगा। इस तरह से मैं चेंज और सॉर्ट वाला हैंडल को मैं यहाँ पे, अब क्या करूंगा यहाँ पे जो दिस स्टार चेंज सर्च हैंडल सॉर्ट हैंडल जो है इसके डेटा मैं डाल देता हूँ, सॉर्ट हैंडलर जो है ना उसका मैं डेटा डाल देता हूँ आपको यहाँ पे,
पेस्ट करूंगा, डेटा इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। थोड़ा मैं कोड आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, आपको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा शॉर्ट हैंडल का। सबसे पहले एक इवेंट आएगा, इवेंट आएगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो कॉलम नेम एक बनाऊंगा, उसको मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट कर दूंगा। मैं उसको इनर टेक्स्ट से उस जो कॉलम नेम मैंने डाल के रखा ऊपर, यहाँ पे मेरा अभी तो एरर आने वाला है, सब कुछ वहाँ पे कॉलम नेम जो मैंने वहाँ पे डाल के रखा है, जो भी हेडर डाल के रखा है उस पर उसका नाम आ जाएगा मेरे यहाँ पे। कंसोल लॉक करके आप देख सकते हैं कि डेटा किस तरह से आ रहा है। उसके बाद मैं अवेट दिस डॉट सेट सेट करूँगा, कॉलम नेम का डाल दूंगा मैं यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। बाय द वे कॉलम नेम वार कॉलम नेम की जरूरत है नहीं मुझे, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ, आई डोंट नीड इट, मैं डायरेक्टली असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। अब क्या करूंगा, दिस डॉट स्टेट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैं अगर चेक करूंगा डीएससी तो है, अगर डीएससी है तो क्या करूंगा, उसको डायरेक्शन को चेंज करके मैं एएससी कर दूंगा, एएससी कर दूंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा किसी मेरा क्लास का, ऑलरेडी मेरा एक क्लास लिस्ट, ये अगर क्लास नेम पे ये डीएससी है टारगेट में, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और ऐड करके मैं एएससी कर दूंगा, ठीक है। अब एल्स में क्या होगा, वेट दिस डॉट सेट स्टेट डायरेक्शन को डीएससी करूंगा, बाकी ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट रिमूव कर दूंगा, ऐड डीएससी, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने इफ किया था उसका उल्टा यहाँ पे होगा, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास डॉट रिमूव, एक कोई क्लास को रिमूव करने का काम आता है ऑन द बेसिस ऑफ जिस क्लिक पे आपने इवेंट पे टैग किया उस पर क्लास रिमूव हो जाएगा, और जो क्लास नेम आप मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में डाल के रखा है उस वही रिमूव हो जाएगा, और ऐड करने के लिए डी एस सी करूंगा मैं, ठीक है। अब ये अब मैंने यहाँ पे कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरर आया क्योंकि मैंने अगर नेम में अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ, नेम में ऐड किया अभी मैंने सॉर्टिंग, तो मेरा नेम वाले में तो ऊपर ऐड वगैरह बन के आ जाएगा, फिर मैं अगर कोर्स नेम का है उस पर कर रहा हूँ तो नेम वाले को हटाना पड़ेगा, उसका कोड आपको लिख के कमेंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें मैं अभी से क्या करूंगा, कुछ चीजें मैं नहीं करूंगा, कुछ चीजें आपको भी ढूंढ के करनी पड़ेगी। कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, अगर जो सबसे पहले जो जिनका जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा वो सॉल्यूशन काम करेगा, उसको मैं एक शॉर्ट आउट दूंगा अगले वाले वीडियोस में, तो बने रहे, ठीक है। आपको कोड लिखना पड़ेगा और कोड काम करना चाहिए, अगर नहीं काम करेगा तो फिर मैं शॉर्ट आउट नहीं दूंगा, बाकी मैं दिल तो सबको देते ही रहता हूँ, और आपको दिल मिल जाएगा ज्यादातर वीडियो सारे मतलब जो भी कमेंट्स में दिल देता रहता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट स्टेट और डायरेक्शन को डीएससी अगर है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे वार पेज करूंगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पैराम्स से पेज का नेम आ जाएगा। ये तरीका मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं, तो बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पुराने वाले वीडियो जरूर देखे, वहां पे मैंने करके रखा है। लेट यूआरएल करूंगा, यूआरएल में ये जो लिसिंटेक्स है इसमें सर्च टर्म डाल दे रहा हूँ, दिस सेट ऑफ सर्च टर्म पी इक्वल टू पेज आएगा डॉलर पेज, ऊपर मैंने डिक्लेयर किया ना या वार वाला देख रहे हो ना ऊपर, कॉलम नेम डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट ऑलरेडी ऊपर से आ रही है, वहां से आया था। डायरेक्शन दिस डॉट स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑलरेडी अवेट करके रखा हूँ मैं, दिस डॉट सेट स्टेट करूंगा, लोडिंग ट्रू कर दूंगा, वार डेटा को अवेट कर दूंगा, फेच यू आर एल, यू आर एल क्या है बेटा मेरा, यू आर एल ये है, ओके वहाँ पे लोडिंग भी डाल कर रखे। लेट पास डेटा इक्वल टू अवेट डेटा डॉट जेसन, कोर्स क्लॉक सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट वॉर्म कराऊँ पास डेटा, तो इसको मैं हटा दूंगा कंसोल डॉट वॉर्म, फिर बाद में सेट स्टेट कर दूंगा, सेट स्टेट में मैं ट्यूटोरियल्स भी अगर दूंगा पास डेटा डॉट ट्यूटोरियल्स, मेरा ट्यूटोरियल्स आएगा पेजर आएगा तो मैं ट्यूटोरियल्स करूंगा और पेजर को पास डेटा डॉट पेजर कर दूंगा, लोडिंग फॉल्स कर दूंगा। बाय द वे वार पेजेस का मैंने यहाँ पे भी कोड लिखा था, ये वाला एरे को असाइन करके दिस डॉट स्टेट डॉट डॉट पेजर एंड पेज प्लस वन दिस डॉट स्टेट डॉट पेजर डॉट स्टार्ट पेज कीज मैप करके, ये मैं पेजेस वाला डाला था ना, ये सिमिलर वाला हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे मैं करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। अगर मैं F12 दबाऊँ, यहाँ पे मैंने जो ये कोड लिखा था ये पेजेस का क्रिएट करने का एरे वाला, वो मैंने जावास्क्रिप्ट में पहले ट्राई कर रहा था मैं यहाँ पे वो करने का, ठीक है, पर उसमें एक इशू है, काम तो कर जाएगा पर आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखा सकता है आपके कंसोल में जब आप रन करेंगे, वो डेवलपर में डेवलपमेंट में दिखाता है, प्रोडक्शन में शायद ना दिखाए, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ से ही ले रहा हूँ, API से मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो इस वाले कोड को भी मैं हटा दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, क्लीन अप कर रहे हैं।
और दिस डॉट सेट स्टेट को कर दूंगा पेजेस क्या हो जाएगा पास्ट डेटा डॉट पेजेस डॉट पेजेस आएगा ये वहां पे मैं एक एरर ले लूंगा ठीक है। एल्स पे क्या कर रहा हूँ एल्स में भी सेम चीजें कर रहा हूँ एल्स में एकदम सेम चीजें कर रहा हूँ कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ एल्स में भी मैं सेम चीजें कर रहा हूँ ओके एल्स की जरूरत है नहीं मुझे ख्याल से मेरे ख्याल से एल्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि डीएससी कुछ भी क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं डीएससी या फिर स्टेट यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर नहीं रहा हूँ मेरे ख्याल से मैं तो मुझे एल्स की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस तो आई थिंक आई कैन रिमूव द एल्स कीवर्ड एज वेल तो मैं यहाँ पे एल्स को रिमूव कर दूंगा और इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे ये भी हटा दे रहा हूँ मुझे आई थिंक इसकी उसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा कोड को रिफैक्टर कर दिया मुझे सेट स्टेट में यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली हो जाएगा तो मेरे को अभी चेंज फिर से वहाँ पे इफ कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है एक कंडीशन में ही हो जाएगा आराम से तो मेरा आई थिंक तो ये मेरा चेंज हैंडलर हो गया चेंज हैंडलर हो गया अब सॉर्ट वाला भी सॉर्ट वाला हो गया अब सर्च वाला कर देता हूँ सर्च वाले में क्या किया मैंने यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे इवेंट आ रहा है इवेंट में वार सर्च क्या होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से मेरा तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ जो टाइप कर रहा हूँ वो आ जाएगा यहाँ पे दिस डॉट स्टेट स्टेट में कर दूंगा सिस्टम को सर्च कर दूंगा लोडिंग टू कर दूंगा पेज नंबर को वन कर दे रहा हूँ क्यों वन कर दे रहा हूँ पेज नंबर को वन में क्योंकि क्यों कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब सर्च करूंगा मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज नंबर वन से स्टार्ट हो भी अगर मेरा पेज टू या फिर ऐसा थ्री है तो मैं चाहता हूँ कि उस पेज नंबर हट जाए डायरेक्टली वन पेज से स्टार्ट हो इसलिए मैं कर दूंगा सेट टाइम आउट फंक्शन डाल रहा हूँ यहाँ पे ये किस लिए काम आता है थोड़ा डिले करने के लिए काम आता है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है फंक्शन डाला है यहाँ पे दिस डॉट लोड पेज ये हमारा एक फंक्शन बनाऊंगा सर्च नंबर सर्च और पेज नंबर भेजूंगा उसमें और डॉट बाइंड दिस कर दूंगा और ये 500 कर दूंगा और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा सेट टाइम आउट और हमारा ये सर्च हैंडलर भी हो गया इस तरह से कंपोनेंट डिड माउंट है ना इसका इतना सारा डेटा जो पड़ा हुआ है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे डालूंगा इसको और इसको मैं रिमूव कर दूंगा रिमूव करके मैं यहाँ पे इस तरह से क्या कर रहा हूँ वार सर्च ले रहा हूँ सिस्टम डाल दे रहा हूँ स्टेट में और यहाँ पे लोड पेज नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा उसमें सिर्फ सर्च भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से मेरा कंपोनेंट डिट माउंट का भी हो जाएगा कंपोनेंट डिट अपडेट भी होगा क्योंकि मेरा कंपोनेंट डिट अपडेट भी करना पड़ेगा मुझे जब मैं कुछ बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट अ कंपोनेंट डिट अपडेट शुड ऑल्सो रन बिकॉज मेरा पेज कंपोनेंट नेम सेम है पर पैरामीटर्स डिफरेंट कंपोनेंट डिट अपडेट का कोड देख लीजिए आप कंपोनेंट डिट अपडेट है प्रेप फ्लॉप्स कर रहा हूँ प्रेप स्टेट और स्नैपशॉट तो हम लोग प्रेप फ्लॉप्स से काम करेंगे this dot props dot params dot page जो मेरी एक पैरामीटर है not equal to props dot props dot params dot page तो मेरा पुराना वाला पेज अगर मेरा इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूँगा वार सर्च को कर दूंगा this dot state dot system और await कर दूंगा this dot loading page search yeah okay load page this dot लोड पेज सर्च को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा इसमें भी मैं सर्च भेज रहा हूँ सिर्फ अब इसके बाद क्या करेंगे अब ये इतना हो गया तो हम लोग करना क्या पड़ेगा व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू डिक्लेयर दिस लोड पेज को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा तो उसको भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है बहुत कुछ डेटा डिक्लेयर हो गया यहाँ पे सवाल है तो आई थिंक लोड पेज कर रहा हूँ सर्च और पेज नंबर यहाँ पे है अगर पेज नंबर आ रहा तो सही है नहीं तो फिर सर्च मतलब जो भी पैरामीटर है वो अब आ जाएगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट कॉलन नेम डायरेक्शन ये मैं किया हूँ जरूरत है आई डोंट थिंक मुझे जरूरत है तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉक सारे हटा देता हूँ आई डोंट नीड फॉर नाउ वार डायरेक्शन है दिस डॉट स्टेट डॉट डायरेक्शन है और वार पेज क्या कर दूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पेज डॉट पेज नंबर ठीक है अब मेरा यहाँ पे चेक कर रहा हूँ पेज नंबर अगर नल है या फिर पेज नंबर अनडिफाइंड है तो मैं क्या करूंगा पेज को वन कर दूंगा ठीक है पेज वन आ जाएगा बाकी इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है यहाँ पे ये हटा देता हूँ लेट कर रहा हूँ यू आर एल कर दे रहा हूँ HTTP ये रिलेशन डेस्क में जाएगा सर्च टर्म सर्च में आ जाएगा पेज नंबर इस तरह से पेज के वेरिएबल पे आ जाएगा कॉलम नेम को दिस डॉट स्टेट और कॉलम नेम और डायरेक्शन दिस डॉट स्टेट और डायरेक्शन आ जाएगा ठीक है दिस डॉट स्टेट स्टेट को लोडिंग ट्रू कर दिया डेटा क्या आएगा अवेट फेच करूंगा यू आर एल किस तरह को पता ही आपको
पास डेटा क्या कर देंगे, अवेट डेटा और जेसन कर दूंगा, बाकी यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सब कुछ को हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे कंसोल लॉग हटा देंगे, जब प्रोडक्शन में जा रहे हैं कंसोल लॉग हटा दे, अब इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टर्ब स्टेट स्टेट कर दूंगा, ट्यूटोरियल्स पेयर पेयर पासवर्ड और ट्यूटोरियल्स कर दूंगा, और यहाँ पे लोकेशन को, लोकेशन कहाँ पे आ गया, लोकेशन नहीं होगा भैया, लोडिंग फॉल्स कर दूंगा और पेजर को पासवर्ड और पेजर आ जाएगा मेरा। बाकी यही चीज़ें कंसोल लॉग लॉग सारे वॉन्स किए थे मैंने, इसको भी मैं क्लीन अप कर दूंगा और दिस डॉट सेट स्टेट कर दूंगा, पेजेस को क्या कर दूंगा, पासवर्ड डॉट पेजर डॉट पेजेस, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी असाइन कर सकता हूँ, दैट्स द अदर थिंग, ठीक है। लोड पेजेस का मेरा हो गया, लोड पेजेस का भी मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको मैं यूज करूँगा यहाँ पे रेंडर वाले में, और यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। उसके पहले एक चीज करूंगा मैं यहाँ पे, पेज ये जो है ना पेजी डॉट सी एस एस मैंने एक बना के रखी है यहाँ पे फाइल, यहाँ पे टी एच को मैंने कर्सर पॉइंटर डाला, यूजर सेलेक्ट नन, ये सब चीजें बनकर आके रखी। ये मेरा एंगुलर बूटस्ट्रैप कोड है, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है, वहां से मैंने सी एस एस को उठा दिया, टी एच डॉट डिस्क्राइब यार टी एच डॉट ए एस ई डॉट बिफोर का क्या किया मैंने। ये बाय द वे सी एस एस आपको नहीं आती, सी एस एस की सीरीज फॉलो करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैंने सी एस एस में कवर की है। बाय द वे टी एच डॉट ए एस सी क्या करता है, टी एच टैग के अंदर ए एस सी हमारा जो क्लास नेम है उसको उठाएगा और इसको यहाँ पे इस तरह से सारे क्लासेस डाल देगा और यहाँ पे बाकी चीजों भी डाल देगा, ठीक है। पेज डॉट सी एस एस आप समझ गए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे रेंडर वाले में। रेंडर के बाद कौन सा डाला है, पेजर और एक ट्यूटोरियल्स जिस डॉट सेट से, मैं पूरा जिस डॉट सेट से डॉट डालने के जगह बजाय मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्टेंट बना देता हूँ, कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट, मेरा मुंह से गलती से वेरिएबल निकल जाता है तो बेयर करें, कॉन्स्टेंट ही होता है, कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट बनाना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली इसको पेजर डॉट कर से कर। यहाँ पे ये किया, एक सर्च का एक बॉक्स बना दिया है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल डेटा डाला है, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, क्लास नेम एम बी थ्री मतलब टॉप से तीन की मार्जिन, एक्सेल डब्ल्यू थ्री मतलब एक्सेल में क्या आएगा, डब्ल्यू आपका 96 फीट दिखाएगा, बाकी क्लास नेम यहाँ पे इनपुट ग्रुप रिलेटिव फैक्ट्स की सब चीज़ें डाल कर रखी है। हमारा टेलीविजन सीरीज की ऑलरेडी सीरीज आने वाली है तो उसकी चिंता मत करें, आपको मिल जाएगा, मतलब सब कुछ सीखने को मिलेगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सर्च नेम सर्च कर रहा है सिस्टम आई डी सिस्टम वैल्यू डाल कर रखी है दिस डॉट स्टेट डॉट सिस्टम क्लास नेम कुछ कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल रिलेटिव फैक्ट्स ऑटो ये सब देखते रहिए आप। टेक्स्ट बेस ये सब चीज़ें बड़ी वित्त सारे क्लासेस डाल के रखे हैं हम लोगों ने, ट्रांजिशन डाल के रखी है कुछ ऐसे, यहाँ पे आउटलाइन नन करके रखा है, तो प्लेस होल्डर सर्च डाल के रखा है एरिया और ये बटन कुछ डाल के रखा है, ठीक है चलो। और यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट डाल के रखा है मैंने, यहाँ पे बटन भी यहाँ पे मैंने एक डाल के रखा है क्लास नेम, यहाँ पे इतने सारे क्लासेस पड़े हुए हैं, आप थोड़ा पॉज कर दे और सारे क्लासेस के नाम लिख दे। बाकी वाइज में टेलीविजन एलिमेंट से उठाया मैंने तो उसका कोड आप जरूर देख सकते हैं, उनके साइड पर ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, कोड की चिंता मत करिए, सर्च टर्म का बॉक्स है वो मैंने वहाँ से उठाया है, तो मैं भी खुद से नहीं लिखूंगा, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये जो मैंने नेम ऊपर डाल कर रखा था उसको हेडर पे मैंने एक आई डाल दिया नेम, ऑन क्लिक पे डाल कर रखा है स्टार्ट चेंज और शॉर्ट हेडर पे काम करेगा, ठीक है। बाकी कोर्स नेम पे मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, आप कोर्स नेम पे भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से डाल दें कोर्स नेम पे भी, और यहाँ पे नीचे इम्पोर्ट यहाँ पे पेज डॉट सी एस एस कर दूंगा, पेज और सी एस एस कहाँ पे, उसी फोल्डर के अंदर मेरा पेज डॉट सी एस एस मैंने बना के रखी है, ठीक है। फाइल को मैंने ऑलरेडी दिखा दिया तो मुझे बाद में अभी मैं दिखाने की जरूरत नहीं, ओके। टेबल अब यहाँ पे मैं पेजिनेशन का कोड लिख दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है आप देखना देख लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, अब देख लिया ये इंपॉर्टेंट बुक, डिस क्लास किया है, फ्लेक्स किया, जस्टिफाई सेंटर किया है, पी वी जीरो और पी टी थ्री, तो एक नैब बना दिया है नैब यहाँ पे, और ये एक मिनट यू एल करूँगा, क्लास नेम डालूंगा मैं यहाँ पे, और फ्लेक्स लिस्ट लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। लिस्ट स्टाइल बाय द वे ये टेलीविजन एलिमेंट्स की साइट से मैंने कॉपी किया है तो उसी का मैंने आप कोड दे सकते हैं, पेजिनेशन साइट में जाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा आपको। यू एल क्लास नेम डाल कर रखा है, फिर क्लास नेम पर क्या किया है मैंने यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो भैया, पेज आइटम डाल के रखा है। यहाँ मैं बैकटिक का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डायनेमिक बनाना है। पेज डॉट करंट पेज जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू वन है
तो मैं उसको डिसेबल करूंगा पेजर को लेस देन इक्वल टू वन, मतलब लेस देन इक्वल टू वन क्यों, क्योंकि यार मेरा पेजर अगर फर्स्ट पेज पे मैं हूं तो मैं उसको बैक नहीं कर सकता या फिर मैं फर्स्ट में नहीं जा सकता। दोनों का देखना, दोनों का सेम कोड है इसीलिए मैं ज्यादा कुछ बता नहीं रहा, दोनों का सेम से देखेंगे, सेम लिखा अगर है तो मैं उसको डिसेबल कर दूंगा, वरना मैं उधर में उस क्लास नेम की जगह पे मैं डबल कोट्स सिंगल कोट्स मतलब कुछ एम्प्टी डाल दूंगा। तरीका होता है इनलाइन ऑपरेटर, लिंक टू करूंगा कौन से पेज में जाना है, यहाँ पे डैशबोर्ड स्लैश वन क्योंकि फर्स्ट पेज है ऑब्वियसली, तो फर्स्ट पेज में मैं स्लैश वन कर दूंगा, फर्स्ट पेज में पहुंच जाएगा बैक, ठीक है फर्स्ट पेज के लिए फर्स्ट पेज ही होगा, ठीक है फर्स्ट पेज का लॉजिक है इसलिए फर्स्ट डाला है। दूसरे वाले में मैंने करंट पेज क्यों किया बताता हूँ, रुको बताता हूँ मैं, योर डायनेमिक कर रहा हूँ मैं। क्लास नेम में जाऊंगा, क्लास नेम देखो पेज लिंक करूंगा रिलेटिव ब्लॉक पी वाई माइनस वन, ये सब चीजें आपको बताइए ये आते हैं मेन वाले में। यहाँ पे क्या किया मैंने, पेजर डॉट करेंट पेज इक्वल टू वन है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे 500 पॉइंटर इवेंट नट, मैं पॉइंटर इवेंट नट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा वो डिसेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टेलविन सीएसएस में मेरा को ये करना पड़ेगा, अगर मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहा था तो डिसेबल कर रहे मेरा काम चल जाता। अगर मेरा पेज वन नहीं है तब क्या होगा, पॉइंटर इवेंट वाला हट जाएगा और यहाँ पे कलर थोड़ा अलग डाल दूंगा मैं, कलर देखते रहे आप, फोकस शैडो नन ये भी कर, ये मैंने डाला हुआ है फर्स्ट वाला हो गया। अब इस तरह से मैं अगर मैं प्रीवियस वाले में क्या करूंगा, ऊपर वाला सेम है नीचे वाले में आऊंगा, मैं क्या करूंगा मेरा जो करंट पेज है उसका एक स्टेप पीछे जाऊंगा मैं, अगर मेरा दो है तो दो से वन पे आऊंगा, चार है तो चार से तीन पे आऊंगा, ठीक है। बाकी क्लास नेम का वही है, पेजर इक्वल टू वन किया उसको पॉइंटर इवेंट रन कर दूंगा, इस तरह से मैं कर दूंगा बात, ठीक है ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करूंगा, दिस डॉट सेट स्टेट डॉट पेजेस कर दूंगा मैं, अब पेजेस को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट करके रखा है तो मैं डायरेक्टली पेजेस भी कर सकता हूँ, उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पेजेस पे डाल कर रखा है, आई थिंक तो आई हैव ट्यूटोरियल्स डाल के रखा है, पेजेस डाल के रखा है मेरा ट्यूटोरियल्स का, तो मेरे को यहाँ पे ट्यूटोरियल डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पेजेस का मैंने वेरिएबल नहीं बनाया तो आप बना सकते हैं यहाँ पे पेजेस का बना के डायरेक्टली कर सकते हो वहाँ पे। दिस आर स्टेट डॉट पेजेस डॉट मैप करूंगा, मैप फंक्शन इस्तेमाल होता है फॉलिश लूप का इस्तेमाल करने के लिए, पेज तो इस तरह से कर दूंगा एल आई करूंगा, की एक डालूंगा, की एक पेज हो जाएगा, यूनिक डालना पड़ेगा की, और क्लास नेम डालूंगा यहाँ पे पेजेस डॉट करंट पेज इक्वल टू पेज है तो वो एक्टिव करेगा, नहीं तो फिर मेरा ये डबल कोट क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि अगर करंट पेज है इक्वल टू पेज है, ये हमारा पेज ऊपर डला हुआ ना ये वाला, और उसका करंट पेज है डॉट करंट पेज, अगर उसकी वैल्यू सेम है तो मैं एक्टिव करूंगा वरना कुछ नहीं ब्लैंक डालूंगा। और यहाँ पे लिंक टू में भी यहाँ पे मैं उसको पेज को भेज रहा हूँ, यहाँ पे एट द रेट पेज वहाँ पे ऊपर से पेज आ रहा है डॉलर वाला पेज, ये वेरिएबल देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना। क्लास नेम में करंट पेज इक्वल टू पेज है तो यहाँ पे एक ब्लू बीजी करूंगा मैं 600 करूंगा, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा ये देखिए बीजी ट्रांसपेरेंट ये आ रहा पूरा, ये चीज पूरा ऊपर कॉपी कर दूंगा मैं डाल दूंगा, आप देखेंगे आप क्लासेस आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। आपको क्या करना पड़ेगा जिसमें अगर एक्टिव है वो वाला क्लास उठाओ, जब वो हमारा करंट पेज भी इक्वल टू हो जाएगा, हाँ तो मैं बता रहा था आप वहाँ पे देख लेंगे पेज करंट पेज अगर इक्वल टू पेज है तो इन दैट केस में आप ब्लू आ जाएगा, आप जिसमें एक्टिव है उसमें आप क्लासेस पता चल जाएगा, नहीं तो फिर आपका यह वाइट वाइट वाला आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वाले में भी करूँगा उस तरह से, नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट पहले आएगा ना मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पहले आ रहा है, ठीक है तो वहाँ पे कर रहा हूँ टोटल पेजेस, अगर पेज डॉट करंट पेज इक्वल टू टोटल पेज डॉट टोटल पेज हो जाएगा तो मैं उसको डिसेबल कर दूंगा, वरना मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है वहाँ पे क्लास नेम को, और पेज डॉट करंट पेज प्लस वन होगा क्योंकि अभी मेरे को एक जो करंट पेज है उसका एक ऐड करना है मेरे को, ठीक है। बाकी क्लास नेम में यहाँ पे मैं वही डाल दूंगा पेज ऑफ करंट पेज, अगर मैं इक्वल टू हो जाएगा पेज टोटल पेजेस तो मैं यहाँ पे पॉइंटर इवेंट नन तो किया था वो कर दूंगा, वरना मैं ये क्लास में डाल दूंगा, ठीक है आप देख सकते हैं। और उस तरह से सेम हमारा लास्ट में भी होगा, लास्ट में क्या करूंगा मैं पेज ऑट करंट टू क्या जाएगा टोटल पेजेस में डाल दूंगा, एंड पेज भी कर सकते हैं टोटल पेजेस में भी डाल सकते हैं, टोटल काम एक ही करेगा आपका। थोड़ा सा ऊपर से कोड एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी होगी,
सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, इम्पोर्ट कर दिया था पेजिनेशन वाला ये क्लास को, कुछ यहाँ पे स्टेट डिक्लेयर किए थे, कुछ यहाँ पे बाइंड किए थे डेटा को हम लोग, जो इवेंट हैंडलर में बना रहा हूँ, शॉर्ट हैंडल किया था मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने इवेंट इनर टेक्स्ट से मैं डेटा ले लिया था, फिर यहाँ पे स्टेट स्टेट किया था, मेरे डायरेक्शन को चेंज किया था, फिर यहाँ पे मैंने क्लासेस रिमूव किए थे क्योंकि मेरे को ऊपर एरो और अप डाउन एरो चाहिए था, फिर उस तरह से मैं एल्स में भी वही चीज़ किए थे, उल्टा किया था बस, और फिर मैंने यहाँ पे चेक किया डायरेक्शन को DESC है कि नहीं, होगा तो फिर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे URL भेजूंगा, रिक्वेस्ट भेजूंगा, API से कम्युनिकेट करूंगा, पेज का पेज यहाँ से आ जाएगा, बाकी डेटा जो आएगा उसको मैं असाइन कर दूंगा स्टेट स्टेट में, इस तरह से पेजर को पेजेस को भी मैं असाइन कर दूंगा। फिर उसके बाद में फिर एल्स का मैंने डार्क रखा था, आप चाहें तो एल्स को हटा सकते हैं या फिर एक ही कर देंगे, मुझे जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने पुराना ही कोड है आई थिंक, बाद में मैंने उसको चेंज किया था, तो ऑब्वियसली आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप इफ़ कंडीशन में इफ़ कंडीशन को हटा दें डायरेक्टली पूरा इधर काम कर जाएगा, आप एक ही में हो जाएगा आपका। चेंज सर्च हैंडल में क्या किया था, इवेंट को लिया था, टारगेट डॉट वैल्यू से मेरा डेटा आ जाएगा क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, बाकी पेज नंबर मैंने 1 कर दिया था, फिर मैंने सेट टर्म और फंक्शन से मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली थी लोड पेज का जो मेरा यहाँ पे पीछे यहाँ पे बना हुआ है। कंपोनेंट डिड माउंट में क्या किया था, मैंने सर्च को डिक्लेयर किया था, सर्च टर्म को मैंने फिर मैंने वहाँ पे लोड पेज में भेज दिया था दिस डॉट स्टेट डॉट सिस्टम। यहाँ पे मैं सेट स्टेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम कंपाउंड डिड माउंट रन होता है, तो उस केस में मेरे को सिस्टम मैं कुछ टाइप नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेट स्टेट पे। कंपोनेंट डिड अपडेट में क्या करता हूँ, जब भी मैं कुछ क्लिक करूंगा, बटन क्लिक करूंगा या फिर बटन क्लिक कर रहा हूँ, तो इन दैट केस मैं फिर से उसी कंपोनेंट में डाल रहा हूँ रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट अपडेट का इस्तेमाल करूंगा। इसमें चेक डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक डालूंगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। इसने मैंने props start page को मैंने चेक किया, previous props नहीं है, अगर नहीं है तो मैं इसको रन करूंगा, वरना मैं रन नहीं करने वाला, तो await this start state dot system कर दूंगा, यहां से आ जाएगा। इसमें भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें भी मैंने कुछ टाइप नहीं किया, तो मैं इसलिए मैं इसमें भी मैं अब सिस्टम को मैं फिर से असाइड स्टेट नहीं कर रहा हूं। फिर असिंक लोड पेज करूंगा, और यहां पे फिर मैं लोड पेज में कुछ यहां पे क्या डायरेक्शन ले लूंगा, पेज यहां पे आ जाएगा मेरा, और बाकी पेज नंबर अगर नल आ रही है या फिर अनडिफाइंड है तो 1 कर दूंगा। URL में यहाँ पे सेंड कर देना, ऊपर से जो URL है उसी URL में जाऊंगा, और ये डायरेक्शन और ये सब सेट स्टेट मतलब कॉलम नेम पेज सर्च सब कुछ ले लूंगा, और उसके बाद मैं लोडिंग डाल दूंगा, फिर मैं URL में फेच कर दूंगा डेटा को, जो API से डेटा आ रहा है उसको मैं पास कर दूंगा डेटा डॉट जेसन से, और फिर मैं सेट स्टेट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पेजेस को भी सेट स्टेट कर दिया, बाकी यहाँ पे मैंने कौन से कॉन्स्टेंट बनाया पेजर और ट्यूटोरियल्स, अब ट्यूटोरियल्स मैंने डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस डॉट स्टेट में बार बार यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं इस कॉन्स्टेंट के इस्तेमाल करते कर दूंगा। मैं यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट डाल दिया है मैंने यहाँ पे, और ये जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, सर्च पे करूंगा, टाइप करूंगा, तो ऑन चेंज इवेंट जाएगा यहाँ पे, ऑन चेंज इवेंट जाने के बाद यहाँ पे बटन को हटा सकते हैं, बटन कोई जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे भी चेंज किया था, आईडी डाली थी एक, और एक शॉर्ट हैंडलर में डालूंगा ऑन क्लिक का, और इसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, और उसके बाद में कोर्स नेम का भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, और यहाँ पे क्लास नेम पे मैं क्या करूंगा, एक क्लास नेम डाला, एक डिब्बा बना के रखा है पेजिनेशन का, क्लास नेम करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बटन्स कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ करंट पेज के हेल्प से, मैंने यहाँ पे बटन्स का मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ और पेजिनेशन कर रहा हूँ। रन करके देख लेते हैं अब पेजिनेशन किस तरह चल रहा है। डैशबोर्ड में जाऊँगा, बाय द वे मैंने URL सेट नहीं किया ऊपर, अब URL भी सेट करने पड़ेंगे अब मुझे, तो चेंज कर दूंगा आने वाले सेशन में। लॉग इन रजिस्टर का यहाँ पे भी वो नहीं बताया मैंने, ऑब्वियसली बता दूंगा मैं उसको। लोड हो रहा है, सर्वर साइड पर गया, एप्लीकेशन ले लिया यहाँ पे, मुझे आऊँगा नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, सेकंड पे क्लिक करूँगा, देखा डेटा आ गया इस तरह से, आराम से चल रहा है। नेक्स्ट और लास्ट बाय द वे बंद है। अब प्रीवियस में जब मैं क्लिक करूँगा तो ये लोड होगा, लोड हुआ, और प्रीवियस यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, इससे भी चेंज हो रहा है, नेक्स्ट लास्ट है, प्रीवियस और फर्स्ट ये डिसेबल है, मैंने क्लिक किया डिसेबल हो गया। इसके बाद थोड़ा सर्च देख लेता हूँ मैं, सर्च में कुछ ऐसा कर लूँगा जैसे कॉपी में लिख रहा हूँ, कॉपी में लिखूंगा, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा डिले डाल के रखा है, कॉपी आएगा डेटा इस तरह से,
जब मैं इसको क्लिक करूंगा डेटा इस तरह से ये मेरा डेटा चला जाएगा, आएगा जाएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, सर्वर से काम कर रहा है ना, बाकी सब कुछ सेम है। नेम में क्लिक करूंगा ये मेरा ऑर्डर बाय नेम पे आ गया, ठीक है, डी एसी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे मेरा इस तरह से डेटा आ गया, ठीक है, व्यू जे एस और ये, और मैं फर्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, मेरा कॉपी डेटा इस तरह से आ गया डेटा, ठीक है, आ गया डेटा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं न्यू नेक्स्ट पे यहाँ पे फिर से मैं क्लिक करूँगा, अब मेरा ऑर्डर बाय डी एस सी आ गया, व्यू जे एस और ये सब चीज़ें आ गई। अब मैं जब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये उल्टा आ रहा है डेटा, ठीक है, डेटा समझ गए। तो इस वीडियो में जाना किस तरह से आप सर्चिंग सॉर्टिंग पेजिनेशन सब कुछ कर सकते हैं, बाकी मैं एडिट पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, एडिट पे भी डेटा क्लिक होगा और डेटा मेरा यहाँ पे इस तरह से आ गया। मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो डेटा मेरा वहाँ पे चला जाएगा और वो ऑर्डर बाय नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल कुछ ऑर्डर बाय नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर बाय कोर्स नेम का काइंड ऑफ स्टॉक व्हाटएवर डाल के रखा है मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एक और चीज, आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है सेट स्टेट इज वन स्टेप बिहाइंड, लगेगा आपको आप कुछ चेंज कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आपका पुराना एक स्टेप पुराना डेटा जा रहा है सर्वर पे, हो सकता है आपको भी एक इशू आ सकती है। जैसे मैंने एच टाइप किया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय जैसे नेम में एच टाइप किया, मैं जो चेंज कर रहा हूँ ऑन चेंज में टाइप किया, वहाँ पे पहला वाला जो कुछ ब्लैंक था वो गया, दूसरी बार मैंने फिर से एच टाइप किया तो इस बार एच एच होगा पर मेरा गया एच जो पहले बार में टाइप किया था। अगर आपको ये इशू आ रही थी तो हम लोगों ने क्या जुगाड़ डाला था, अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया दिस सॉर्ट स्टेट में तो काम चल रहा था, पर यहाँ पे कभी कभी आपको लग सकता है कुछ कहीं पे भी इशू आ सकती है कि मैं कुछ चेंज सेंड कर रहा हूँ डेटा पुराना डेटा जा रहा है, तो उसका जुगाड़ यही है कि जब मैं डेवलपमेंट में कर रहा हूँ ये इशू आएगी, इसका फिक्स करने का जुगाड़ ये है आपको ब्राउजर आपका बंद करना है, सर्वर भी बंद करना है रिएक्ट जेएस का, और उसके बाद आप फिर से रीस्टार्ट करेंगे सारे वीएस कोड वीएस बन करके आपका सही से काम करेगा, ये जुगाड़ है, ये काम करते ये तरीका होता है, ये इसके को बोला नहीं, जैसे हम लोग जब एस पी वाले कोड का रन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते थे तब हम लोग व्यू में चेंजेस में जब पहली बार क्रिएट किया तो कुछ बाद में बंद करके फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता था व्यू को, तो उस तरह से यहाँ पे भी ऐसी एक इशू है। आप जब भी आप देखेंगे कंसोल डॉट लॉग में चेक करेंगे आपका दो बार कंसोल लॉग प्रिंट होके आएगा, क्यों आएगा कंसोल लॉग में दो बार आपका देखा दो बार डेटा जा रहा है सर्वर पे, वो क्यों होगा, ये आपका सिर्फ डेवलपमेंट में होगा प्रोडक्शन में नहीं होगा, तो ये चीज़ें होंगी, ये जितने भी इश्यूज आते हैं डेवलपमेंट में आती थी प्रोडक्शन में नहीं आती। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में जहाँ पे कुछ और चीज़ें सीखेंगे, टिल देन बाय एवरीवन।